नमस्कार दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डावरी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं और दोनों की तरफ से बात करेंगे, वाइफ की तरफ से ही बात करेंगे और हस्बैंड की तरफ से ही बात करेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस एंड डावरी के केसेस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, उसके काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग आज केवल इस पर बात करना चाह रहे हैं कि कब और कैसे किया जा सकता है, हस्बैंड के पास में क्या रेमेडी है और वाइफ के पास में क्या रेमेडी है। सबसे पहली बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 2 के हिसाब से वाइफ की जो पोजीशन है वो अग्रीव्ड विमेन की होनी चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं विमेन के साथ में, वाइफ के साथ में मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट होना चाहिए, और ये मेंटल हैरेसमेंट या कि हस्बैंड या उनकी फैमिली किसी एक की तरफ से होना चाहिए। डावरी के केस में भी या कि हस्बैंड या कि उनके फैमिली मेम्बर्स कोई डावरी का डिमांड कर रहे हों और इस कंडीशन पर वो डायरेक्टली, उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं, इट मीन्स मैं वाइफ की बात पहले कर रहा हूँ, तो वाइफ के पास में दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में अप्रोच करें और उनको बताएं कि मेरे साथ में मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट हो रहा है और मेरे जो इन-लॉज हैं, जो मेरे इन-लॉज हैं, वो मुझे डिमांड कर रहे हैं लगातार मॉनेटरीली, इट मींस मुझे डावरी का डिमांड कर रहे हैं। तो पुलिस उनका कॉग्निजेंस लेकर के और इन्वेस्टिगेशन कर करके उनके अगेंस्ट में, इट मींस इन-लॉज के अगेंस्ट में या हस्बैंड के अगेंस्ट में 498A IPC का केस रजिस्टर कर सकती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि इस केस में दम है और इसमें वाकई में विमेन के साथ में फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट हुआ है और विमेन की पोजीशन अग्रीव विमेन की है। दूसरा रेमेडी ये है कि अगर उन्होंने डायरेक्टली पुलिस को शिकायत दी और पुलिस इसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं लेती है और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है और इस केस में कोई दम है, तो डायरेक्टली जो विमेन है वो अप्रोच कर सकती है कोर्ट को भी, और कोर्ट के सामने जाकर के सेक्शन 12 का एप्लीकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड 3/4 डावरी प्रोबिशन एक्ट का केस फाइल कर सकती है हस्बैंड के अगेंस्ट में और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में या जो भी कंसर्न पर्सन उसमें इन्वॉल्व है जो डोमेस्टिक वायलेंस या डावरी का डिमांड कर रहा है। नाउ ये तो मैं विमेन की तरफ से मैंने बात की, जहां पे मैंने आपको दो चीज़ें बोली कि पहले वो पुलिस को भी अप्रोच कर सकती है, 498 का FIR रजिस्टर कर सकती है इन लॉज या हस्बैंड के अगेंस्ट में, और दूसरा कंप्लेन केस भी फाइल कर सकती जो कि अंडर सेक्शन 12 या DV एक्ट 3/4 के हिसाब से हो सकती है। अब मैं हस्बैंड के तरफ से भी कुछ बोलना चाहता हूँ इस वजह से, क्योंकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केसेस किए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि काफ़ी सारे मैटर, 90% टू 93% जो मैटर्स होते हैं आउट ऑफ 100 केसेस, 93% जो केसेस हैं वो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड हैं। इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस और डावरी के केस का मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इन केसेस में ऐसा है कि अगर हस्बैंड या उनके फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ या उनके वाइफ के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको कहीं फंसा सकते हैं या उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले सकते हैं फंसाने के लिए, उनके अगेंस्ट में झूठा कोई केस बना सकते हैं 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का या डावरी का, या डायरेक्टली कोर्ट को भी उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेशन पहले, जैसे उनको एप्रीहेंशन होता है कि प्लानिंग चल रही है या किसी भी सुटेबल टाइम पे वो कर सकते हैं, और उनको ये बताना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन में पूरा कंप्लीट स्टोरी, जब से शादी हुई है तब से लेकर के अभी तक, और अपना सारा कंटेंशन मेंशन करने के बाद में लोकल जो ज्यूरिसडिक्शन है उधर पे अपना ये एप्लीकेशन या रिप्रेजेंटेशन का कॉपी दे सकते हैं, ये मेंशन करके कि हमको फंसाने की या हमारे फैमिली मेंबर्स को फंसाने की पूरी साजिश हो रही है और यहाँ पे डावरी या डोमेस्टिक वायलेंस लॉ का मिसयूज़ हो रहा है। इसके बाद में अगर कुछ केसेस में होता है कि FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है लेकिन FIR जो है वो बेसलेस है, मेयर एलिगेशंस हैं या फैब्रिकेटेड केस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया जा सकता है हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली की तरफ से, और 482 एप्लीकेशन मेंशन करके डायरेक्टली FIR को या कंप्लेन एप्लीकेशन जो उनके अगेंस्ट में हुई है उसके क्वेश्चन के लिए भी रिक्वेस्ट कोर्ट से की जा सकती है। तो हस्बैंड की तरफ से मैंने दो चीज़ें बताई, जहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में वो रिप्रेजेंटेशन या प्रोटेक्शन एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ में वो सारा अपना कंटेंशन मेंशन कर सकते हैं पुलिस के सामने, और कल को अगर विमेन उनके अगेंस्ट में या विमेन के फैमिली उनके अगेंस्ट में केस फाइल करती है तो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होगी या उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का एक मौका ज़रूर पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। दूसरा, मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि हाई कोर्ट में भी अगर FIR हो जाती है तो फॉर द क्वेश्चनमेंट 482 इनहेरेंट पावर जो हाई कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर के लिए डायरेक्टली 482 एप्लीकेशन हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली मेंशन कर सकती है, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस या डावरी के जो भी केसेस होते हैं उसमें स्टे के लिए या क्वेश्चनमेंट प्रोसीजर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों के लिए हम लोगों ने बात की, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से किस तरीके से हो सकता है, और मैंने दोनों की तरफ से ही आपको बताया कि अप्रोच क्या रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके कोई सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।